हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों डिस्पर्सन ऑफ लाइट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हेन अ रे ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, एक प्रिज्म के थ्रू आपका व्हाइट लाइट पास कर रहा है। अब क्या हो रहा है, ये व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट कर जा रहा है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। द कलर पैटर्न ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन आफ्टर डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ये आपका प्रिज्म है, यहाँ से व्हाइट लाइट आया और यहाँ पे बहुत सारे कलर में वो, मतलब ये टोटल सात, बोलते हैं सात कलर में हो गया, और ये बाहर भी उसी तरह से कलर में निकल जाएगा। इसको प्रिज्म कहते हैं, इसको व्हाइट लाइट, और ये आपका स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट डिविएशन सफर्ड बाय द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट। द डिविएशन इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर एंड मिनिमम फॉर रेड कलर ऑफ लाइट। द डिफरेंट कलर अपियर्ड इन द स्पेक्ट्रम आर ऑन द फॉलोइंग ऑर्डर। इस तरह से आप इसको याद कर लेना, विवग्योर, सारा कलर जो है आपका इसी से पता चल जाएगा। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स इन अ मीडियम। एज अ रिजल्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। मतलब ये पूरा ये लाइन में यही कह रहा है कि जो आपका सबसे ज़्यादा डिविएटेड कलर होता है वो आपका वायलेट होता है, सबसे कम डिविएटेड होता है रेड कलर। वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है। विवग्योर जो है आपका कलर पैटर्न है जो आपका ऑप्टेन किया जाता है स्पेक्ट्रम के माध्यम से। उसके बाद सारे जो कलर है उसका वेलोसिटी भी डिफरेंट होता है, ठीक है, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज मैक्सिमम फॉर द कलर फॉर विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मिनिमम। जिसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसका वेलोसिटी उस लाइट का अधिक होगा। क्लियरली वॉयलेट कलर ऑफ द लाइट इज मिनिमम, मतलब वॉयलेट कलर जो होता है उसका वेलोसिटी सबसे कम होता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। ठीक है। उसी तरह से रेड कलर जो होता है उसके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसका वेलोसिटी ज़्यादा होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, रेनबो क्या होता है। ठीक है। रेनबो इज द कलर डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क। इस तरह का आर्क बनता है रेनबो, ठीक है, इस तरह का, इसमें भी सात कलर होता है। ऑफ एन सर्क, आर्क ऑफ एन सर्कल हैंगिंग इन द स्काई ऑब्जर्व ड्यूरिंग आफ्टर अ लिटिल ड्रिजल, मतलब हल्का हल्का जब पानी बरसता है ना तभी रेनबो का आकार देखने को मिलता है। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सन, सन के हमेशा अपोजिट साइड में बनता है। रेनबो इज फॉर्म्ड ड्यू टू डिस्पर्सन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब कि डिस्पर्सन और रिफ्रैक्शन दोनों के माध्यम से बनता है, ऑफ द सन लाइट बाय बाय द सस्पेंडेड वाटर ड्रॉपलेट्स। जो आपके जो हवा में जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है जो तैरते रहता है हवा में, उसी के द्वारा बनाया जाता है, उसे टकराने से बनता है। ठीक है। रेनबो कितने तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में क्या होता है, वो बनता कैसे है, वो बनता है ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है। जब लाइट आपका रेन ड्रॉप्स पे फॉल करता है तो इसमें कितना होता है, टू रिफ्रैक्शन एंड वन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद क्या है, इन प्राइमरी रेनबो द रेड कलर इज ऑन द कॉन्वेक्स साइड, मतलब कि ऐसे है ना, ऐसे रेनबो बना तो आपका रेड साइड यहाँ होगा कॉन्वेक्स साइड, और वॉलेट जो होता है आपका इधर होता है, वॉलेट साइड होता है, मतलब कि कॉनकेव साइड होता है। अब ये एक फिगर देख लीजिए, बीच में वाइट कलर है, ब्लू रेड और ग्रीन जो होता है आपका प्राइमरी कलर होता है। अगर आप ब्लू और ग्रीन को मिलाइएगा तो सियान कलर होगा, ग्रीन और रेड को मिलाइएगा तो आपका येलो कलर होगा, और ब्लू और रेड को मिलाइएगा तो मैजेंटा होगा। ठीक है। उसी तरह से और तीनों को मिला दीजिएगा तो आपका वाइट कलर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आगे, प्राइमरी रेनबो हैज़ एन एंगुलर विथ ऑफ 2 डिग्री एट एन एवरेज एंगल ऑफ एलिवेशन 41 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है प्राइमरी रेनबो का, तो 41 डिग्री होता है, और आपका एंगुलर विथ कितना होता है, 2 डिग्री होता है। उसके बाद है सेकेंडरी रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड टू इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब सेकेंडरी रेनबो में दो रिफ्रैक्शन और दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। प्राइमरी में कितना हो रहा था, दो रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा था।
of light falling on raindrops. The order of color on the secondary rainbow is in the reverse order. मतलब जो order में आपका primary में हो रहा था color का, उसके opposite का display होगा इसमें. Angular width कितना होता है secondary में? 3.5 होता है. और आपका angular elevation जो होता है, average elevation कितना होता है? 52.75. Secondary rainbow is less intense than primary rainbow. मतलब कि secondary rainbow का जो color है वो आपका less intense होता है comparison to primary rainbow. अब थ्योरी ऑफ कलर क्या है? कलर इज द सेंसेशन परसीव्ड बाय द कोन्स इन द आई ड्यू टू लाइट. मतलब कोन के द्वारा जो आपका परसेप्शन हो रहा है, आपका जो कलर हो रहा है, उसी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ कलर, या थ्योरी ऑफ कलर इसी को मतलब डेफिनेशन बोलते हैं, इसी का डेफिनेशन है. प्राइमरी कलर क्या होता है? द स्पेक्ट्रल कलर ब्लू ग्रीन एंड रेड आर कॉल्ड प्राइमरी. अभी मैंने कहा था कि ब्लू ग्रीन रेड जो आपका है प्राइमरी कलर है. बिकॉज ऑल द कलर्स कैन बी ऑब्टेंड या प्रोड्यूस्ड बाय द मिक्सिंग दीज इन प्रोपोर्शन. ठीक है, सारा कलर आपका प्रोड्यूस हो सकता है इन तीनों को मिला के, दोनों दोनों को मिला के आप कोई भी कलर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. अब क्या है कि इन तीनों को मिलाएगा तो आपका वाइट कलर प्रोड्यूस होता है. सेकेंडरी कलर क्या होता है? द कलर प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग टू प्राइमरी कलर्स इज कॉल्ड द सेकेंडरी कलर. देयर आर थ्री सेकेंडरी कलर्स, दैट इज येलो, मैजेंटा एंड सियान. आगे मैंने समझाया, ग्रीन और रेड मिलाइएगा तो येलो होगा, रेड ब्लू मिलाइएगा तो मैजेंटा होगा, और ब्लू ग्रीन मिलाइएगा तो सियान होगा. अब है व्हेन द थ्री सेकेंडरी कलर्स आर मिक्स्ड व्हाइट कलर इज प्रोड्यूस्ड. अगर तीनों सेकेंडरी कलर को मिलाइएगा तो आपका कौन सा कलर मिलेगा? व्हाइट कलर मिलेगा. कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होता है? एनी टू कलर्स व्हेन एडेड प्रोड्यूस व्हाइट लाइट. मतलब कोई भी दो कलर अगर मिलाइएगा तो व्हाइट लाइट होगा. आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री कलर, इसी को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. क्लियरली अ सेकेंडरी कलर एंड द रिमेनिंग प्राइमरी कलर्स आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. ठीक है, रेड एंड सियान, ब्लू एंड ग्रीन, एंड ग्रीन एंड मैजेंटा, ब्लू एंड येलो, ग्रीन एंड मैजेंटा आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग. द डिफरेंट कलर्स एंड देयर मिक्सचर्स आर शोन बाय डिफरेंट ट्राइंगल. ट्राइंगल मैंने आपको अभी ऊपर में समझाया, अब फिर से मैंने दोहराऊंगा, आगे देखता हूँ. इन कलर टेलीविजन द थ्री प्राइमरी कलर्स आर यूज. जो आपका जो बोलते हैं रंगीन टीवी जो बोलते हैं, उसमें आपका क्या यूज होता है? वही तीन प्राइमरी कलर का उपयोग होता है. चलिए आज हम लोग यहीं तक छोड़ते हैं. अगले लेक्चर हम लोग कलर्स ऑफ द बॉडी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कलर जब पड़ता है किसी दूसरे कलर पे तो किस तरह का इफेक्ट उस पर आता है. तो चलिए, लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें. थैंक यू वेरी मच.